हाँ देखिए, मैं सर्फेक्टर ही नहीं हूँ, नेचुरल मैं डॉक्टर भी हूँ और ज़्यादातर लोगों को इसी सब चीज़ों में एजुकेट करता रहता हूँ। इस फिल्म में मैं सिर्फ एक फॉर्म के लिए हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं लंदन में था, नेचुरोपैथी का मेरा सेमिनार था वहाँ पे, 2 महीने से लंदन में था, पहले भी फिल्म में कर चुका हूँ, लेकिन टैग नहीं होने के कारण यहाँ नहीं कर पाया। उन्होंने ये गाना जो रखा था, इसका थीम सॉन्ग जो पूरी फिल्म का है, वो मेरे ऊपर रखा है। फिलहाल मैं आप कह सकते हैं इसे आइटम का मुझे आइटम बॉय बना हुआ। हाँ जी, एक अभी मेरी फिल्म आ रही है और बनेगा करोड़पति में किन्नर आया था जिसने एक बच्ची को पाला है, तो उसकी स्टोरी पे बेस्ड एक फिल्म है। फिल्म का नाम अभी टेंटेटिवली डीके रखा है। किन्नर का कैरेक्टर मैं उस फिल्म में कर रहा हूँ और उस फिल्म में बड़ी अच्छी फिल्म है, बन चुकी है, कम्प्लीट हो चुकी है, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। दूसरा मेरा मैं कुकिंग भी करता हूँ, तो मेरा कुक भी शो आता है टाटा स्काई एक्टिव कुकिंग पे, वो ये रहता है बैचलर्स कुकिंग नाम से है, उसमें मैं हेल्दी कुकिंग सिखाता हूँ कुकिंग, और जो बैचलर्स हैं यहाँ पे रहते हैं बाहर का खाते हैं उनको, नेचुरोपैथी का जो है हेल्थ चैनल चलता है, लगभग लगभग जितनी भी बीमारियाँ सारी कवर की है हमने होम रेमेडीज़ के द्वारा, विदाउट होम रेमेडीज हेल्थ केयर उसका नाम है चैनल का, F3 हेल्थ केयर, F3 मेरी कंपनी का नाम है, तो F3 हेल्थ केयर, और आप किसी भी डिजीज़ का नाम डालेंगे तो आपको होम रेमेडीज़ मिल जाएंगी। होम रेमेडीज़ पूरी तरह से क्योर ना भी कर पाए, अच्छा सपोर्ट कर देती हैं और विदाउट साइड इफेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं उस तरफ रेमेडीज़ की तरफ ले जाने में ज़्यादा दादी माँ के नुस्खे और दादी नानी माँ के नुस्खे उसी समय लगा रहता हूँ, उसी में लगा हूँ। आपका आशीर्वाद है, देश में तो उतना नहीं, विदेशों में काफ़ी नाम होता है। थैंक यू।